स्टूडेंट आप सबका स्वागत है एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर का। इस सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में हम ये रिलेशन पढ़ रहे हैं राजनीति में जाति। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वीडियो होने वाला है। और इसमें फिलहाल आप देखते हैं कि संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य है लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सब के लिए राज व्यवस्था इस दिशा में 1950 से आगे बढ़ रही है। राजनीतिक जो व्यवस्था है वो इस तरह से कार्य कर रही है। इन दिशाओं में कुछ दूरियां भी तय की जा सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, अब तक 16 आम चुनाव और 17वां आम चुनाव हो चुके हैं संपन्न। यहाँ पे 16 लिखा है बट 17 आम चुनाव हो चुके हैं। पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी हुई है और इसी तरह से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भी अब हमारे आदर्श बने हुए हैं। लेकिन यह कह पाना संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक एकता तथा अखंडता की दृष्टि से स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है या हमने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त कर लिया। वस्तुतः तो यह है कि राज्य व्यवस्था के अनेक सुनीति और समस्याएं विद्यमान है। ऐसी कुछ प्रमुख समस्या और चुनौतियां हैं जिसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि राजनीति व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम देखें तो जाति का परंपरागत अर्थ और स्वरूप क्या है। इसको देखें तो जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में पाई जाती है। बिल्कुल, जाति एक व्यवस्था ऐसी है जिसके अकॉर्डिंग समाज एक व्यवस्था, उसमें परंपराएं बनती है और ये परंपरा जब राजनीति में प्रवेश करती है तो उसका अलग रूप देखने को मिलता है। एक गंभीर सामाजिक कुरीतियों के रूप में यह हिंदू समाज की ही विशेषता है। एक वैसे इस्लाम और ईसाई समाज भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। यह एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशों के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट दिया। सामान्यतः यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई है। धार्मिक बाह्य धार्मिक और वैदिक कार्य का संपादन, यहाँ पर ध्यान रखना जाति प्रथा की उत्पत्ति किसके समय से बता रहे हैं, यहाँ पे वैदिक काल से बता रहे हैं कि जाति प्रथा जैसी ये व्यवस्था है वह कब से देखने को मिल रही है, वैदिक काल से। आगे देखें, बाह्य ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे और क्षत्रिय कार्य देश की रक्षा करना करते थे और शासन प्रबंधन करते थे और वैश्य कृषि और वाणिज्य संभालते थे और शूद्र को अन्य तीन वर्णों की सागरी करनी पड़ती थी। तो इस तरह से उस समय क्या थी, वैदिक काल में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, सैनिक, वैश्य और शूद्र। ये कर्मकांड, यज्ञ एवं शिक्षा संबंधी काम करते थे। ये देश की सुरक्षा सेवा का कार्य और ये व्यापार वाणिज्य और ये शूद्र जो है वह उपयुक्त तीनों वर्गों की सेवा का। तो इस तरह से प्रारंभ में वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल से ही वर्ग वाइज व्यवस्था हुई और वर्ग से जातियां बनी, तो इस तरह से इनके वर्ग बने और फिर ये धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि ये जन्म के आधार पर इनका ये सिस्टम बन गया, जन्म के आधार पर यही व्यवस्था हो गई और इस तरह से ये व्यवस्था हो जाने से ध्यान रखना है जाति व्यवस्था स्थापित हो गई और बाद में यही जाति व्यवस्था कठोर हो गई और पूरी तरह जन्म आधारित हो गई। यानी ये इस समय था लेकिन इसके बाद जन्म आधारित
फिर क्या हुआ कि जन्म आधारित का मतलब है कि जो सैनिक वर्ग में जन्म ले रहा है वो सैनिक बनेगा, जो शूद्र वर्ग में जन्म ले रहा है वो दोनों की तीनों की सेवा करेगा। इस तरह से ये जन्म आधारित से एक कठोर जाति व्यवस्था हो गई और इस तरह से मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी क्योंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी, अतः उसे आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्व का समावेश था। एक जाति का पेशा ऊंची जाति में होता था, बेटा बाप से अपना पुश्तैनी पेशा रखता था और प्राय उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपनाया जाता था। अब जाति राजनीति से संपर्क सूत्र, अब हम पढ़ रहे हैं जाति राजनीति से संपर्क। अब यहाँ पे हम राजनीति के अंदर जाति किस तरह से इन्वॉल्व हुई, यानी किस तरह से संपर्क हुआ है वो समझ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल ये राजनीति संबंध नहीं था, ये जन्म के आधार पर ये व्यवस्था बन गई, लेकिन जाति से किस तरह टच हुई और क्या व्यवस्था रही इसकी ये देखें। तो आगे देखें, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने देश में लागू कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप राजनीति शक्ति के रूप में उदित हुई। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधित्व के लागू होने के समय शुरू हो गया था, यानी जब प्रतिनिधि व्यवस्था स्थापित हुई। संपर्क कहाँ से हुआ, जब प्रतिनिधि व्यवस्था स्थापित हुई और उस तरह से फिर जाति हैं वह राजनीति से संपर्क में आई, और राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने से समय से शुरू हो गया, किंतु यह प्रभाव नगण्य था। इसके लिए उत्तरदायी थे कि प्रतिनिधि प्रशासन राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार स्वतंत्रता की प्राप्ति से प्रथम दो कारणों का निराकरण किया गया और नए संविधान में अपने के वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का मतलब जाति के प्रभाव क्षेत्र में आशा से वृद्धि की गई, और आरंभ में तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च और श्रेष्ठ जातियों की राजनीति से प्रभावित रही, लेकिन राजनीति में लाभ उन्हीं लोगों तक फायदे रहते हैं जिससे राजनीति को फायदा मिलता है। तो फिर इस तरह से प्रारंभ में ये व्यवस्था रही थी, लेकिन समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझे जाने वाली जातियाँ आगे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को प्रयत्न में बढ़ाने लगी। प्रोफेसर रुडॉल्फ के शब्दों में भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जाती है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके द्वारा भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जाए। तो वर्तमान में क्या हुआ, जाति ने राजनीति में प्रवेश किया और इस तरह से इसमें योगदान दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था ने। किसके योगदान दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने। ये खुद ही साथ रहता है कि इस तरह की व्यवस्था हो तो जाति ने राजनीति में प्रवेश किया क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ाना था। अब यहाँ पे ध्यान रखें, नेक्स्ट जाति का राजनीति के रूप में रजनी कोठारी का क्या दृष्टिकोण है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। जाति का राजनीतिक रूप में यानी अब हम जाति का राजनीति के रूप में अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन किसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, रजनी कोठारी। तो ध्यान रखें,
रजनी कोठारी की पुस्तक है जो आपको याद रखना, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक का नाम है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स तो ये रजनी कोठारी की बुक है जिसको आपको ध्यान रखना है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन किया है, यानी इन्होंने रजनी कोठारी में राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में बताया है। और इसका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो गई है। इस प्रश्न के पीछे ये धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्था है। ज़्यादा से सवाल ये होता है कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हुए न तो राजनीति के रूप को ठीक से समझ पाए हैं और न ही राजनीति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना पड़ता है। तो भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित होती है। तो इन्होंने कहा भारत की जातियां, यहाँ पे लाइन है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित होती है। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित होती है, यानी भारत में ये चुनाव जो होते हैं ना, तो इन चुनावों में हम ज़्यादातर देखते हैं कि चुनाव जब हो रहे होते हैं तो ये व्यवस्था होती है कि कुछ लोग जो राजनीति में आ रहे हैं और वो क्या सोच के आ रहे हैं कि हमारी जाति के लोगों का वोट मैं लाऊंगा और मैं उसको लेकर ही राजनीति में आगे बढ़ूंगा, तो इसलिए वे जाति के आधार पर राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व सिद्ध करते और चुनाव में जीत हासिल करने का समीकरण बनाते। तो राजनीति का जाति में यही है कि भारत में जनता जातियों के आधार पर संगठित होती है। किस आधार पर वो जनता संगठित होती है? जाति के आधार पर। और न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो इस वजह से राजनीति में जाति का प्रवेश, राजनीति में जाति का जो प्रवेश है वो इन्वॉल्व होता है। और राजनीति के समीकरण को हम देखें तो इलेक्शन जब भी होते हैं तो इलेक्शन में जो वोट होते हैं ना, उन वोट को अगर आप देखें तो जाति के आधार पर वोट होते हैं। किस आधार पर वोट होते हैं? जाति के आधार पर होते हैं। रजनी कोठारी के शब्दों में आप ध्यान रखना, ये जो बातें हैं रजनी कोठारी के संदर्भ में हैं और ये राजनीति से जुड़ी हुई है। तो रजनी कोठारी के शब्दों में, जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति और बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीति में जाति आती है तो जाति को मौका मिलता है राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करने का। तो इस तरह से राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति संगठनों का प्रयोग करते हैं और जातियों के रूप में बना बनाया संगठन मिलता है जिससे राजनीतिक संगठन बनते हैं। यानी खुद भी हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जाति व्यवस्था और राजनीतिक अंतक्रिया के संदर्भ में रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किए। रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के आधार पर तीन रूप प्रस्तुत किए हैं और तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला जो रूप है लौकिक रूप, पहला रूप है लौकिक रूप। दूसरा जो रूप है आप ध्यान रखेंगे इसको, एकीकरण का रूप। और तीसरा जो बताया है चैतन्य रूप, चैतन्य रूप। तो इस तरह से रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के आधार पर राजनीति में अंत क्रिया को, जाति प्रथा के आधार पर राजनीति में अंत क्रिया को कितने रूप में प्रस्तुत किया? तीन रूप में प्रस्तुत किया है। वो ध्यान रखना, लौकिक रूप, एकीकरण का रूप और चैतन्य रूप। तो अब हम फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जाति प्रथा का लौकिक रूप। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहले को हम समझ रहे हैं तो पहले को ध्यान रखना है।
रजनी कोटाई ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है और जाति व्यवस्था में कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है, जैसे जाति के अंदर विवाह छुआछूत रीति रिवाज के द्वारा जाति की पृथक इकाइयों को कायम रखने का प्रयत्न किया गया है। यानी कुछ रूप ऐसे है कि लौकिक रूप देखे गए जिससे लोग जातियों में कब बनते हैं, जैसे विवाह समारोह जाति व्यवस्था जो भी होती है तो लोग एक जाति में संगठित रहते हैं और बहुत से कम लोग इसकी ओर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी जातियों में अपनी प्रतिद्वंदिता गुटबंदी रहती है। प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती है। उदाहरण के लिए लगभग 4 दशक से बिहार में उच्च जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का अनवरत संघर्ष चल रहा है। तो इस तरह से लौकिक रूप प्राप्त करने के लिए जाति व्यवस्था अपने आप को सुदृढ़ करती है। रजनी कोटारी का यह भी विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका, क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का अस्तित्व था तो कुछ प्रदेशों में गुजरात और मारवाड़ में जैन वैष्णव जैन संप्रदाय के हाथों में आर्थिक शक्ति थी। तो इस तरह से लौकिक रूप में राजनीति के अंतर्गत जाति प्रथा देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि एकीकरण रूप, तो एकीकरण रूप को यहाँ पे देखें, जाति का दूसरा रूप एकीकरण है, अर्थात व्यक्ति की समाज में बांधने का, व्यक्ति को समाज में बांधने का। तो व्यक्ति को समाज में बांधने के लिए अलग अलग व्यक्ति बिखरे होते, लेकिन समाज में कैसे बनते हैं, जाति के आधार पर कि ये मेरा जाति भाई, ये मेरा जाति भाई, तो इस तरह से सब जाति भाई करके एक वो समाज बनता है। तो यही यहाँ पे बात आ रही है कि जाति का दूसरा रूप है एकीकरण, व्यक्तियों को समाज में बांधने का, व्यक्तियों को समाज में बांधने का रूप है। लोग जाति के आधार पर समाज में बंधते हैं और जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित होती है। चाहे जितनी भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी अपनी जाति से लगाव पैदा हो जाता है। जाति प्रथा उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है, या निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठा और लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विकसित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि जब लोग राजनीति रहते हैं समाज में, मतलब एक तरह से भाईचारे में वो जाती है, तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे वह जाति की वजह से समाज में रहना शुरू करते थे, क्योंकि ये मेरी जाति समाज में रहे तो मैं भी समाज में रहूँ। फिर समाज में धीरे धीरे वे जाति एकत्रित होती है और समाज में वे राजनीति की ओर जब बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति विशेष अपनी जाति के आधार पर राजनीति में आने की मंशा रखता है। तो ये एकीकरण का रूप होता है, आपस में एक मिलकर समाज और समाज से राजनीति की ओर बढ़ते हैं। फिर देखें चैतन्य रूप, जाति का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियाँ अपने को उच्च समझती है और कुछ कारण समाज में उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियाँ अपने आप को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती है और क्षत्रिय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है उसके कारण देश के विभिन्न भागों में उनके जातियों से इस वर्ण का दावा किया जाता है। कुछ जातियाँ इसी प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा करती है। हालांकि राजनीति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन के परिणाम से जाति विशेष की स्थिति भी बदली है। सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में लोच और परिवर्तनशीलता आ गई है। ये आप ध्यान रखना, इसको परिवर्तनशीलता जातियों में भी आई है और इसके लिए 4 मार्ग अपनाए गए हैं। प्रथम संस्कृतिकरण का तरीका, लोग जातियों में भी धीरे धीरे दूसरी जातियों से प्रभावित होते रहे और इसका पहला कारण है संस्कृति का तरीका। संस्कृति में छोटी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रीति रिवाजों की नकल करती है और ये कहलाता है ब्राह्मणीकरण। द्वितीय है लौकीकरण या अब्राह्मणीकरण का तरीका। इसमें क्या होता है, आर्थिक उन्नति के लिए और राजनीतिक एकता और बुनियादी सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियां ब्राह्मणों की नकल करते हैं। तृतीय है महापुरुषों से संबंध जोड़ने का तरीका। कभी कभार देखा कि वो महापुरुष है तो वो हमारी जाति से है, इस तरह से वो अपनी जाति को प्रभावशील बताते हैं। यानी कहते हैं अपनी जाति को व्यापक रूप में बताना, हमारी जाति में ये है, हमारी जाति ये पुरुष है, हम इस जाति से बिलोंग करते, तो अपनी जाति को विशिष्ट और प्रमुख बताते हुए राजनीति में उसको प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से रजनी कोटाई ने जाति की राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए इससे पुराना समाज नई राजनीति व्यवस्था के करीब आ गया है। अब इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना तो देखें अब हम पढ़ रहे हैं जाति की राजनीतिकरण।
जाति का राजनीतिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। और दूसरा पॉइंट जो है वो है जाति के अंदर की प्रतिस्पर्धी गुटबंदी। और तीसरा जो पॉइंट है वो है जाति के बंधन ढीले पड़ना। जाति के बंधन ढीले पड़ना तो इसके और राजनीति को व्यापक आधार मिलना। ठीक है ना। तो ये तीन है जो राजनीतिकरण को प्रभाव बढ़ावा देते हैं। पहला है शक्ति व प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। जैसे दो जातियाँ हैं, एक कहती है कि मैं प्रभावशाली हूँ, दूसरी जाति कहती है कि मैं उससे ऊँच हूँ। तो जाति जाति के आधार पर एक जाति दूसरे जाति के ऊपर प्रभावी और हावी होना चाहती है। तो वो क्या करेगी, वो ये करती है कि एक जाति कहती है मैं इलेक्शन जीत जाऊँ और उसके ऊपर हावी हो जाओ, तो वो क्या करेगी, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति राजनीति में, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति राजनीति में आएगा और चुनाव क्षेत्र में क्या होगा, वही व्यक्ति अपनी जाति की भूमिका निभाएगा। यानी जाति के आधार पर वो इलेक्शन में आएगा और अपनी जाति के वोट लेकर वो राजनीति में जीतना चाहेगा। वो कहेगा कि हमारी जाति के लोग हमें वोट दें, इस तरह से हम आपकी जाति का मनोबल ऊँचा करेंगे। दो जाति के लोग हैं, दो जाति में दोनों प्रतिस्पर्धा है, तो एक कहेगा मैं राजनीति में घुस जाऊं और हमारी जाति, आप हमारी जाति को आप हमें वोट देना, हम राजनीति में आगे जाएंगे और अपनी जाति का नाम रोशन करेंगे। तो इस तरह से लोग राजनीति में आते हैं शक्ति व प्रभाव की प्रतिस्पर्धा की वजह से। दूसरा, जाति के अंदर प्रतिस्पर्धी गुटबंदी। और खुद क्या है कि जाति के अंदर ही गुटबंदी होती है, दो गुट हो जाते हैं और वह गुटबंदी क्या करते हैं कि ये एक प्रभावशाली गुट है और दूसरा निर्बल है। तो जाति के आधार पर दो गुट जब होते हैं, कंपटीशन कब होता है, जब दो बराबर समानांतर गुट होते हैं और वह एक के ऊपर हावी होने के प्रभाव जमाते हैं कि मेरा जो जाति का ये वाला गुट है इसको मैं आगे ले जाऊंगा। तो इलेक्शन में वो यनकन प्रकरण जाति के आधार पर इलेक्शन अपनी ओर लाता है, वोट अपनी ओर लाएगा। तो जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और गुटबंदी होती है, इसलिए राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ जाती है, राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है जाति के बंधन ढीले पड़ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि राजनीति में जाति का प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन अब पहले जितना जाति का प्रभाव नहीं है, तो फिर वो राजनीति में आ जाते हो, जाति का प्रभाव नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा कौन लेते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ। वो फिर क्या करती है, लोगों को जाति के आधार पर अपने प्रतिनिधि इलेक्शन में रख खड़े करती हैं और वोट ले लेती है। यानी जाति से वो फ़ायदा क्या उठाती है, व्यापक राजनीति को आधार मिल जाता है, खुद ही राजनीति में वोट जाति को माध्यम बनाकर वोट हासिल करती है। इस तरह से जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिक यानी अपना रही जाति है वो राजनीतिकरण की ओर बढ़ रही है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे कही गई। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथकता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति प्रभाव का सामंजस्य और उसकी राजनीतिक संगठनता बढ़ी। पहले लोग जाति के आधार पर बिखरे, लेकिन राजनीति में उनको वो समझी कि हम एक होंगे तो ही राजनीति में हमें फायदा मिलेगा, तो वो संगठित हो गए। दूसरा ये कहता है कि आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों में परिवर्तन आया, लोग समझे कि राजनीति में हम जाने से हमारा और राजनीति का विकसित रूप होगा, हम बढ़ेंगे विकसित होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन हुआ और ये समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय वह काफ़ी नहीं है, तो राजनीति में हमें प्रवेश करना होगा। जाति इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाएगी, इसलिए हमें राजनीति से ज़्यादा जाति से ज़्यादा राजनीति को महत्व देना पड़ेगा।
जहाँ जाति बड़ी होती है उनमें एकता नहीं रहती, क्योंकि उपजातियाँ बन जाती है, छोटे छोटे जातियाँ बन जाती है। तो इस तरह से जाति भेद आ जाते हैं और राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक सविका निष्ठाओं का उदय हो जाता है। अब कल जो अपना टॉपिक है वो कल हम पढ़ लेंगे कि जाति और राजनीति में अंतःक्रिया के सैद्धांतिक आधार, या ये है कि जाति के राजनीतिकरण की क्या विशेषता है, जाति के राजनीतिकरण की क्या विशेषता है। तब तक अगर इससे कन्फ्यूजन, इससे संबंधी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।